नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। जम्मू बुलेटिन लेकर मैं अजय कुमार हाजिर हूं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर पीरखो मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। महाशिवरात्रि पर श्री रणवीरेश्वर मंदिर सहित शिवालय में दिखी भक्तों की भीड़। और नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल मूवमेंट ने उठाई जम्मू में अपनी आवाज। अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि पर पीरखो मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने कतारबद्ध होकर जामवत गुफा में किया रुद्राभिषेक। मंदिर के बाहर मेले में बच्चों ने झूलों का उठाया खूब आनंद। जय शंकर वाले, सबको शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत मुबारकें देता हूँ मैं अपने जम्मू वासियों को। और हम पीरखो मंदिर की तरफ से कहते हैं कि सब मंदिर में आए और बढ़ चढ़ा के सब लोग आके यहाँ पे आके आज माथा टेके। जैसे शिवरात्रि का मेला लगा हुआ है पीरखो में, और सब लोग अपने घर से अपने बच्चों को सबको साथ लेके आके अपना बताए कि कैसे शिवरात्रि की पूजा पाठ होती है और कैसे यहाँ पे मेले में क्या क्या मके अपना झूले वगैरह सब लोग बच्चों लोगों को दिलाए आके। अरेंजमेंट ऐसे किया जाता है कि प्रशासन की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी सारा यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, सिक्योरिटी की तरफ से भी होता है। महाशिवरात्रि पर श्री रणवीरेश्वर मंदिर सहित शिवालय में दिखी भक्तों की भीड़। भक्तों ने शिवलिंग पर पुष्पहार सहित बेलपत्र दूध चढ़ाकर किया नमन। दिन भर मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा रहा आना जाना। वो संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा उत्साह वर्धक जो पर्व है महाशिवरात्रि, शिव की रात, चार पहर पूजा, कल्याणकर्ता भगवान शंकर। भगवान शंकर के लिए आज जो विवाह उत्सव है उसे मनाने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में हर भक्त के लिए जो है वो बड़ा उत्साह के लिए दिन है। सारे श्रद्धालु अपने श्रद्धानुसार जल अभिषेक, बिलपत्र आदि, पुष्प, धूप, दीप आदि नवेद से पूजन कर रहे हैं। नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल मूवमेंट ने जम्मू में उठाई अपनी आवाज। कहा रूस यूक्रेन की लड़ाई को बंद करवाने के लिए तीन पक्षीय वार्ता कराए अमेरिका। कहा जंग बंद ना हुई तो दुनिया में बीमारियों के साथ आएगा फूड क्राइसिस। ऐसा नजर आता है कि जैसे अमेरिका की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, नाटो की, जो दुनिया का ग्लोबल थानेदार बनना चाहता है और इसको भी नीचे लगाना चाहता है, उस पोजीशन में ये चीज़ जो है वो तीन पक्ष में बातचीत होनी चाहिए कि यूएसए, रशिया और यूक्रेन, ताकि और वो लाइन अडॉप्ट की जाए जिससे हथियारों का व्यापार बंद हो और हर दुनिया के जितने भी छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए। क्योंकि दुनिया वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ क्लाइमेट क्राइसिस अपने सिर पर चढ़ के बोल रहा है, और साइंसदानों ने यह कह दिया है कि 2030 के बाद इंसान का जीना इस धरती पर कठिन हो जाएगा, और 50 के बाद आप समझो कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो जी नहीं सकती। शहर की वार्ड नंबर 52 के महाकामेश्वर मंदिर में जुटा भक्तों का सैलाब। मंदिर परिसर में कमेटी ने आयोजित किया विशाल भंडारा। निगम चेयरमैन अजय गुप्ता ने लोगों में प्रेम भाव से वितरित किया भंडारा। आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं देशवासियों को, जम्मू वासियों को मुबारकबाद देता हूँ शिव महाशिवरात्रि की। और इस पर जो ये आज इस मंदिर में ये कामेश्वर, महाकामेश्वर मंदिर है, ये वार्ड 52 साउथ एक्सटेंशन में पड़ता है, और ये प्राचीन मंदिर था। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, आज विशाल मंदिर है, और इसकी इतनी आस्था है कि कोई शायद कोई होगा जो त्रिकुटानगर से यहाँ नहीं आता होगा।
जम्मू में बादलों से घिरे आसमान, महाशिवरात्रि पर हुई हल्की बूंदाबांदी, दिन भर सूर्यदेव बादलों के साथ खेल रहे आंख मिचोली, मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को फिर कराया ठंड का एहसास। जम्मू बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार, जेके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।